पाकिस्तान में मर्द और औरतें जो हैं अपनी भाभियों, चाचियों, ताइयों, फूफियों, हमसाइयों, देवर जेठ सब चलते हैं. बहनोई के साथ जो पाकिस्तान में चक्कर चलाना है वो सबसे कॉमन है. और मजे की बात यह है कि बिल्कुल पता चल जाता है बीवियों को और हस्बैंड्स को. सबसे तो ज्यादा अकलमंदी का सबूत देते हुए एक लड़के ने लिखा है कि मर्द तो बहन ने उसने क्या बहन मर्द तो चार शादियां हैंडल कर सकता है और चार मर्द हैंडल नहीं कर सकती. अब जाहिर है इस लड़के ने ना सेक्स किया होगा ना इसकी शादी हुई होगी. जो भी इंसान कुछ अरसा शादीशुदा रह चुका है या जो मर्द थोड़ी सी उम्र के हैं उनको तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि कौन हैंडल कर सकता है कौन नहीं. देखी हो असल में दो तरह की खवातीन ऐसी बातें करती हैं. एक तो जो बिल्कुल झूठी हैं कि वो बिल्कुल झूठ बोलेंगी, सफेद झूठ बोलेंगी, बेवकूफ बनाना और पाकिस्तानी औरतों के इसमें कमाल हासिल है. दूसरी वो औरतें हैं जो कि नाइव हैं, जिनको पता नहीं है, जो कि लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस नहीं हुए तो उनको नहीं पता. ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी हर किस्म का मर्द और हर किस्म की औरत पाई जाती है. ऐसे मर्द भी हैं कि जो अपनी बीवियों के लिए खुद बंदे लेकर आते हैं. ऐसे लोग भी हैं कि जो स्विंगर्स हैं जो कि अपनी बीवियां एक्सचेंज करते हैं. ऐसे लोग भी हैं, ऐसी औरतें भी हैं कि जिनको अपने शौहरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही तो वो अपने शौहरों से खुद कहती हैं. मेरी कुछ करीबी सहेलियां ऐसी हैं कि अपने शौहरों से खुद कहती हैं कि तुम दूसरी बीवी ले आओ मेरी जान. फिर ऐसी औरतें भी हैं कि जो जिनको शौहरों से पहले दिन से दिलचस्पी नहीं है वो सिर्फ पैसे के लिए शौहर के साथ हैं. ऐसी औरतें भी हैं जो कि जानती हैं कि ये पहले से शादीशुदा है आदमी और दूसरी बीवी बन जाती हैं सिर्फ चुपके चलो मेरे खर्चे पूरे होंगे मुझे पैसे मिलेंगे. जो दूसरी तीसरी चौथी बीवी होती है वो जानती है कि पहली बीवी मौजूद है, इसके बावजूद वो एक्सेप्ट करती है. वो बिल्कुल शेयर करती हैं, बंदा खुशी खुशी शेयर करती हैं, उनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? मैंने कजन मैरिज से मुतालिक एक बयान किया था कि कजन मैरिज का रिवाज डालना चाहिए क्योंकि शरीयत इसकी तरगीब देती है. उससे बाज लोगों ने कहा कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि कजन मैरिज में माजूर बच्चे पैदा होते हैं. ठीक है ना, ये आजकल एक मशहूर किया हुआ है. और बाज लोगों ने ये भी कहा कि मुफ्ती साहब की मेडिकल साइंस पे रिसर्च नहीं है. अगर इनकी रिसर्च होती तो ये बात ना करते. ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि कजन में निकाह से बच्चे माजूर पैदा होते, मुझे पता है. फिर भी मैं कहता हूं कि कजन मैरिज को रिवाज बोल लो यार देना चाहिए. बाकी डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं तो कहने दें, डॉक्टरों कहने दें, उससे क्या होता है. बाकी सारी बातें डॉक्टरों की मानते हैं आप तो कहने दें डॉक्टर को, कुछ भी नहीं होता. चचाजात, फूफीजात, खालाजात, मामूजात, ये इन बहनों से जो बहन है नहीं हकीकत में लेकिन मजाजन बहन कहा जाता है करीबी रिश्ते की वजह से, इनमें निकाह को रिवाज देना चाहिए. एक ए नबी आपके लिए आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, यानी आपके चचा की बेटियां भी हलाल. व बनाती अम्मातिक और आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल. वह बनाती खालिक और आपके मामू की बेटियां भी आपके लिए हलाल. वह बनाती खालातिक और आपकी खाला की बेटियां भी. हमारे देश में भाई बहन का रिश्ता को बहुत पवित्र माना जाता है, चाहे वो सगे भाई बहन का रिश्ता हो या सौतेले. राखी के डोर से बंधे भाई बहन के रिश्ते में भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहता है, तो वही बहन अपने भाई की सलामती के लिए हमेशा भगवान से दुआ करती है. हालांकि जब शादी की बात आती है तो इनका रिश्ता ऐसे परिवार में जोड़ा जाता है जिनसे कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता है. हिंदू धर्म में ज्यादातर शादियां लड़के और लड़की के गोत्रों को देखकर किया जाता है क्योंकि एक ही गोत्र का लड़का लड़की भाई बहन होते हैं. लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में लगता है जैसे सब कुछ जायज है तभी तो वहाँ भाई बहन की शादी होती है. एक भाई ही अपनी बहन से शादी कर लेता है और उसका पति बन जाता है. इतना ही नहीं तो वो खुद अपनी संतान का पिता और मामा दोनों एक साथ बन जाता है. आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसी ही मशहूर हस्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज अपनी ही बहनों के पति हैं और अपने बच्चों के पिता और मामा भी हैं.
नुसरत फतेह अली खान, पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फतेह अली खान को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। लेकिन बात करें शादी की, तो उन्होंने अपनी ही बहन नाहिद से शादी की थी। हालांकि नाहिद शादी से पहले उनकी चचेरी बहन हुआ करती थी। सईद अनवर, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर सईद अनवर मैदान में अपने बल्ले से कमाल तो दिखाते हैं, लेकिन उनका दिल तो अपनी ही बहन पर क्लीन बोल्ड हो गया था। जी हाँ, सईद अनवर ने अपनी बहन लुबना से शादी की है, जो शादी से पहले उनकी चचेरी बहन हुआ करती थी। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को भला कौन नहीं जानता है। पाकिस्तान में उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन उन्हें अपनी चचेरी बहन नदिया अफरीदी से प्यार था, शायद इसलिए उन्होंने अपनी इस बहन को ही अपनी पत्नी बना लिया। पाकिस्तान के मशहूर एक्टर बाबर खान को वहाँ के दर्शक बेहद पसंद करते हैं। लेकिन बात करें बाबर की निजी जिंदगी की, तो पहली पत्नी की मौत के बाद बाबर ने अपनी बहन सना खान से शादी कर ली। बहरहाल ये तो पाकिस्तान के चंद मशहूर हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी ही बहनों के अपना जीवन साथी बना लिया। लेकिन एक सर्वे के अनुसार पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ करीब 70% शादियाँ भाई बहनों के बीच होती हैं, और इसे वहाँ पूरी तरह के जायज भी माना जाता है। जब पाकिस्तान की लड़कियों से सवाल पूछा गया कि क्या वो अपने चचेरे, ममेरे या फिर सगे भाई से शादी करना चाहेगी, तो उन लड़कियों ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला है। आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। बता दें कि हाल के दिनों में ही तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं के कारण इस्लाम काफी चर्चा में रहा था। इसके अलावा भाई बहन की शादी को लेकर काफी सुर्खियां बनती है। बता दें कि मुसलमानों में सगी भाई को छोड़कर बाकी भाइयों में शादी की जाती है। इसी सवाल को लेकर पाकिस्तान की लड़कियों से जवाब मांगा गया था। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कजिन यानी चचेरे, फुफेरे, मौसेरे और ममेरे भाई बहन के बीच शादी होती है। केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम देशों में ऐसी शादियां आम बात है। आपको बता दें कि इस तरह की शादियों में क्या परेशानी आ सकती है। एक रिसर्च में यह सामने आया है कि चचेरी बहन या भाई में शादी करना तो दूर की बात है, अगर अपने गोत्र की लड़की से भी शादी की तो शादीशुदा लाइफ में कई दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में ऐसी शादियों की इजाज़त नहीं है। इसी तरह की शादी से कई तरह की बीमारियां हो सकती है, अनुवांशिक गुण दोष भी उत्पन्न होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लड़की हलाला करने क्यों जाती है ये वीडियो नहीं देखा है, तो इसे हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखना, और ऐसा किया मेरा हलाला इस वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप किस टाइप के वीडियो देखना चाहोगे ये हमें कमेंट कर जरूर बताना, ताकि हम आगे ऐसे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, गुड बाय।